पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्यों क्यों नहीं आना है तुम्हें उपलेटा? आपने नरेन की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी, और जब मेरी शादी की बात आई तो मेरी पसंद की लड़की से क्यों? कौन? वो मामूली लड़की, वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की, वो दूसरों को सजाने सवारने वाली लड़की, उसे तुम रतन सिंह खानदान की बहू बनाना चाहते थे, उसकी कंपैरिजन तुम नंदिनी से कर रहे हो। एक बात समझ लो, नंदिनी चाहे पैसे वाली ना हो लेकिन खानदानी है वो। हाँ तो बस जो बात मैं भूल चुका हूं उसे याद करना नहीं चाहता मैं। नरेन की शादी में पूरे परिवार को शामिल होना पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो। पूरा परिवार उपलेटा के लिए निकल चुका है, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जाके अपना सामान पैक करो, जाओ। आप मुझे अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप अपने बापूजी से जो भी बात करनी होती है वो अपनी माँ से कहलवाते हैं? मतलब जैसा आपका आपकी माँ के साथ रिश्ता है वैसे अपने बापूजी के साथ नहीं? नरेन क्या कर रहा है भाई, अभी तक बैठा हुआ है तू? तेरे तूने सामान भी पैक नहीं किया अभी तक यार। नरेन सब लोग तेरा नीचे वेट कर रहे हैं यार, जल्दी कर, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। सब फैला हुआ है यार, कपड़ा एक भी तूने रखा नहीं अभी तक, चले। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? दर्द लग रहा है। कोई बात नहीं यार, शादी से पहले ऐसा होता है। चल जल्दी से रेडी हो जा, टाइम मत वेस्ट कर। चल चल जल्दी कर, सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। सारे कपड़े फैले हुए हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई दिवेर, बहुत बड़ी। क्या गलती हो गई? मैंने नंदिनी को झूठ बोला है। क्या क्या झूठ बोला है तुमने? तुझे याद है मैं उपलेटा गया था? वहां नंदिनी और मैं एक बीच पे गए थे, और नंदिनी ने मुझे उस बीच पे पूछा था क्या कि नरेन जी आप अपने बाबूजी के बारे में बताइए। मैंने उसको अपने बाबूजी के बारे में बताया, ये बोला कि मेरे बाबूजी दहेज के सख्त खिलाफ है, आज तक किसी से भी उन्होंने तो तूने झूठ कहाँ बोला ये बता, तेरे बाबूजी दहेज कहाँ लेते हैं? अरे वो तो दहेज लेते थे यार, और देख समाज में ना लोग आज भी बिना कहीं दहेज लेते हैं। वो बातें तेरे बाबूजी की पास्ट की थी, समझा? तो तूने झूठ नहीं बोला नंदिनी से। अरे तू क्या बात कर रहा है देवेंद, तुझे अंदाजा भी है तू अभी क्या बोल रहा है? ये तो खुद को लॉजिक देख के अपना दिल बहलाने वाली बात हो गई। बल्कि सच तो ये है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए नंदिनी के उस सोलो के साथ खिलवाड़ की है। वो लड़की मुझे जिस वजह से अच्छी लगी थी, मैंने उसके आदर्शों के साथ धोखा किया है। तू सोच भी नहीं सकता देवेंद,
मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूं अभी। जब नंदिनी को बाबूजी की सच्चाई के बारे में। कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है तू? देख, सच्चाई सिर्फ एक है कि तेरी शादी नंदिनी के साथ हो रही है और तेरे बाबूजी तेरी शादी कर रहे हैं, वो भी बिना दहेज के, समझा? अरे यार, नंदिनी के लिए तूने अपने बापूजी के साथ बगावत कर दी थी, तो वही नरेन है यार। नंदिनी से प्यार करता है ना? करता है नहीं करता बता मेरे को, करता है ना? तो चल मेरे भाई, फटाक से रेडी हो जा, सब लोग नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। चले चल, 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 सोच मत अब ज्यादा। चल मेरे भाई, तूने बहुत समय से इंतजार किया इस दिन का। चले, क्यों ही ना बात है, चला जा। रौनक, आप आ गए। देखिए, मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए, अगर कुछ रह गया हो तो बता देना, वैसे। रौनक, रौनक आप ठीक हो? मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। किसने कहा तुम्हें मेरे कपड़े पैक करने के लिए? मैंने कहा तुम्हें मेरे बैग को पैक करने के लिए? हाँ, सदा पीवी बनने की कोशिश मत करो तुम। शादी है रौनक, दो दिन। क्या शादी? शादी शादी नहीं, जाना मुझे शादी में। तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है ना तुमसे, ना इस सरतंशी खानदान से, ना नरेन से, समझ में आई तुम्हें? जिसे देखो अपनी जिद थोपने में लगा हुआ है। ये चीज है ना, ये पैक किया ना तूने? आइंदा से मेरे कपड़ों को हाथ लगाया ना तो ध्यान रख लो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझे? बापूजी। हाँ बेटा। थैंक यू। खुश? बहुत। बापूजी, ये तो ग्रीन सैन होटल है, हम लोग यहाँ क्यों आए? बेटा जहाँ बारात रुकेगी वहीं आएंगे ना। लेकिन बाबूजी, ये काफी एक्सपेंसिव होटल है, मामा जी अफोर्ड कर पाएंगे? चंचल जरा समझा विषय, जैसे समझी की मर्जी, जहाँ ठहराना चाहे वो, हमें उनकी चॉइस में दखल नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी नरेन बेटा। मामा, मामा, गाड़ी आ भी गई थी, वो लोग आ रहे इधर। रे तू, तुझे फूल वाले को बुला, खेला जल्दी जल्दी जल्दी। नंदिनी का घर देखकर सोचा नहीं था ऐसी जगह पर ठहराएंगे बारात को। अरे हमारे मोटा बापू के इज्जत का सवाल है भाई, सेठ हेमराज रतन सिंह के इकलौते बेटे की शादी है, तो ये सारा इंतजाम करना तो बनता है। समता, हाँ? साड़ी, हाँ? सरस्य, तेरी साड़ी। समता किचन में नहीं जा रही, कम से कम यहाँ तो ठीक से। हाँ हाँ, सॉरी भाभी, भूल गई, सॉरी। तो भाई देख, इनका पैसा आना बाकी है, आने पास पैसा मंगाई ले। ये नरेन कुमार क्यों फोन कर रहे अभी? ये नक के इनको। जय श्री कृष्ण नरेन कुमार, पहुंच गए होटल? जय श्री कृष्णा मेहुल भाई जी, अभी जस्ट पहुंचे। वाह 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 वाह। वैसे मेहुल भाई, मुझे एक बात बताइए, ये
ये मामा जी ने इतना महंगा ये होटल ग्रीन सैंड होटल क्यों बुक किया? अपना वो समाज हॉल भी तो था ना, वहां भी हम आराम से कर सकते थे सारे फंक्शन। अभी ये वक्त थोड़ी है बात करने का, अभी आप रिलैक्स कीजिए शांति से। नहीं, आपको किसी ने बोला था क्या ये बुक करने के लिए? मेहुल भाई सच सच बताइएगा, बापूजी ने कहा था आपको बुक करने के लिए? हाँ नरेन कुमार, वो आपके बापूजी ने ही कहा था, लेकिन वो जलपा भाभी है ना आपके, और वो अपने माँ, और वो उनके लिए क्या है एसी कंफर्टेबल रूम हो तो क्या, वो टेंशन नहीं ना, इसीलिए ये होटल बुक कराने को क्या, बाकी कुछ नहीं ऐसा तो है। और अच्छा है ना, ऐसी होटल हो तो क्या रिलैक्स रह सके। नहीं ठीक नरेन कुमार, क्या हुआ नरेन, किसका वेट कर रहे हैं? अरे चल ना, सब लोग अंदर जा चुके हैं, चल भाई चल। अच्छा अच्छा चलना यार, चल। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।